नमस्कार दोस्तों, मैं विष्णु बीसवीं डिजिटल से आपको स्वागत करता हूँ। आज के वीडियो का टॉपिक ये है कि आप अपनी व्हाट्सएप प्रोफाइल में किसी भी साइज़ का फुल साइज़ फ़ोटो बड़ी आसानी से अपलोड कर पाएंगे। अगर आप ये वीडियो शुरू से अंत तक पूरा स्टेप बाय स्टेप देखेंगे तो कृपया ध्यान से पूरा पूरा वीडियो देखिएगा और सीख लीजिएगा कैसे किसी भी साइज़ का फुल साइज़ फ़ोटो अपने प्रोफाइल पिक्चर में लगा सकते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए घबराने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। आपके दोस्त विष्णु एक ऐसी ट्रिक लेके आए हैं, इसको देख के आप कोई भी साइज़ का फुल साइज़ फ़ोटो अपने व्हाट्सएप प्रोफाइल पिक्चर में बड़ी आसानी से सेट कर पाएंगे। हाँ जी दोस्तों, तो चलिए सीखते हैं। तो आइए दोस्तों, व्हाट्सएप खोल कर देखते कैसे फ़ोटो सेट होता है। ये मैंने व्हाट्सएप खोल लिया। खोलने के बाद ऊपर राइट करना, थ्री डॉट करना में क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद सेटिंग में क्लिक कर देना है। सेटिंग में क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद आइकन में क्लिक कर देना है। आइकन में क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद फिर कैमरा में क्लिक कर देना है। कैमरा में क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद आप सीधे यहाँ गैलरी में पहुँच जाएंगे। यहाँ पे गैलरी चूज कर लेना है। चूज करने के बाद यहाँ पे एक फ़ोटो चूज कर लेना है। जैसे मैं कैमरा खोल लिया, गैलरी खोल लिया। खोलने के बाद आपको ये मान लीजिए ये फ़ोटो मैंने सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसको आप ऊपर से नीचे कोई भी सेट कर, छोटा करके क्रॉप करके जितना मर्जी, लेकिन ये इतना ही लगेगा जितना बाउंड्री में आते हैं। ठीक है जी दोस्तों, ये दोस्तों ये अगर आप वहीं ओके कर देंगे, चलो मैंने इसको डन कर दिया। ये देखो कितना करके काट गया, ये चारों तरफ काट गया, छोटा होके लग गया। अब फुलफिल फ़ोटो नहीं हुआ, ऊपर भी काट गया, नीचे भी काट गया। तो चलिए दोस्तों, ये सीखते हैं आप कैसे फुलफिल फ़ोटो लगते हैं। चलो मैं बैग आता हूँ। इसके करने के बाद आपको एक ऐप्स डाउनलोड करना पड़ेगा। एप्स का नाम है नो क्रॉप्स फॉर व्हाट्सएप। चाहे तो मेरे वीडियो को डिस्क्रिप्शन में क्लिक करके आप वहाँ से सीधे डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये मैंने खुल के दिखाता हूँ, इस तरह का होता है। खुलने के बाद ये ओपन कर लेना है, इसको लेफ्ट साइड में ओपन करना है। ओपन करने के बाद एल्बम में पहुँच जाएंगे। वहाँ से आप जो फ़ोटो आप सिलेक्ट कर लिया था उसको भी चूज कर लेना है। चलिए मैं इसको कैमरा खोल लेता हूँ। ये फ़ोटो मैंने वहाँ देखा था, काट के छोटा होकर लग गया था। जैसे इतना काट गया था, नीचे भी इतना काट गया था, अर्थात पूरा फ़ोटो नहीं आता था। तो आप यहाँ जितना मर्जी छोटा क्रॉप करके आप लगा सकते हैं। ये इसके अंदर ऐसे घुमा सकते, ऐसे घुमा सकते, रोटेशन किसी तरह पर कर सकते हैं। चलिए मैंने इसको इतना रख देता हूँ, इतना ही रख देता हूँ। आप यहाँ नीचे बैकग्राउंड कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। एक काला, ब्लैक, वाइट, कोई भी बहुत बहुत तरीके की बैकग्राउंड होता है, इसमें कोई भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। चलिए मैंने इसको ये सिलेक्ट कर लेता हूँ और ऊपर नेक्स्ट बटन में क्लिक कर देना है। ठीक है जी दोस्तों, क्लिक करने के बाद फिर ऊपर डन का बटन में क्लिक कर देना है। डन का बटन में मैंने क्लिक कर दिया। बात जी दोस्तों, इतना सी करना है। इसको बैग आना है। बैग आने के बाद आप इसको क्या करना है, व्हाट्सएप खोल लेना है। चलिए मैंने इसको व्हाट्सएप खोल लेता हूँ। व्हाट्सएप खोलने के बाद फिर राइट करते थ्री डॉट में क्लिक करना है, फिर सेटिंग में क्लिक करना है, फिर आइकॉन में क्लिक करना है, फिर कैमरा में क्लिक करना है, फिर एल्बम में चूज लेना है। आप यहाँ जो फ़ोटो वहाँ पर क्रॉप करके यहाँ पर सेट किया था वो फ़ोटो सिलेक्ट कर लेना है। देखिए जी दोस्तों, यहाँ बिल्कुल सेट हो रहा है, पूरा पूरा फुलफिल फ़ोटो आ जा रहा है। अब इसको डन कर देना है। डन करने के बाद दो मिनट देखो दोस्तों, पूरा हो गया, लाइव आपने देख लिया। इस तरीके के आप कोई भी फ़ोटो, किसी साइज़ का फ़ोटो, आप फुल साइज़ फ़ोटो अपने व्हाट्सएप प्रोफाइल में बड़ी आसानी से लगा सकते हैं। तो बोलिए दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो एक लाइक ज़रूर कीजिए, दोस्तों को भी शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।